अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मजे हो गए। आज आपकी रुचि मैम नहीं आई और आज हम मस्ती करेंगे। टुडे इज गेम्स टाइम बिकॉज वी रीड अ चैप्टर ऑफ वेज ऑफ रिक्रिएशन। ये रुचि मैम जब देखो जब पढ़ाती रहती हैं। और आज हम खेलेंगे लूडो। एंड और क्या खेलेंगे? बास्केटबॉल। बट मैम ने हमें एक चीज बताई थी कि एक इंडोर गेम होता है और एक आउटडोर गेम होता है। अरे यार कंफ्यूज हो रही हूँ, कौन सा गेम इंडोर है? यस कैरम एंड लूडो। ये लूडो है जिसे हम इंडोर कहते हैं और ये मैं घर के अंदर खेलती हूँ। ये बास्केटबॉल है जिसे मैं आउटडोर बोलती हूँ, इसे हम घर के बाहर खेलते हैं। तो कितने टाइप्स के गेम हुए? टू टाइप्स के, इंडोर गेम और आउटडोर गेम। ये हुआ आउटडोर गेम, ये इंडोर गेम, और इंडोर ये भी इंडोर गेम है। ये क्या है? अरे 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 ये क्या है? कैरम। ये कैरम है। और पापा तो मेरे साथ चेस खेलते हैं और अम्मा दादाजी वो मेरे साथ लूडो खेलते हैं। हम सब मिलके इंडोर गेम खेलते हैं और आउटडोर गेम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ। अकेले खेलेंगे और मैम आपके साथ नहीं खेलेंगी? नो, मैम भी आपके साथ प्ले करेंगी। यस, प्ले टाइम स्टार्ट। आज नो स्टडी, नो नथिंग। टुडे वी विल लर्न अ लेसन ऑफ वेज ऑफ रिक्रिएशन। वेज ऑफ रिक्रिएशन, व्हाट इज द मीन ऑफ वेज ऑफ रिक्रिएशन? सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्री टाइमिंग में किसी भी काम को करना जिससे हमें एंजॉय होता है वो कहलाता है रिक्रिएशन। अब हमने देखा गेम्स हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और गेम खेलने से हम हेल्दी बनते हैं और इंटेलिजेंट भी बनते हैं। गेम्स टू टाइप्स के होते हैं, अभी हमने देखा इंडोर और एक आउटडोर, है ना। इंडोर होता है और ये मेरा आउटडोर गेम। अगर मैंने इसको घर पे मारा तो मम्मी का स्लैप पड़ेगा गाल पे बिकॉज इट इज अ आउटडोर गेम। Yes. फिर हमने रीड किया था, क्या रीड किया था उसके बाद पहले हमने टू टाइप्स के गेम्स पढ़े थे, इंडोर और आउटडोर, क्लियर। फिर हमने पढ़ा था फन एंड फाइट कि खेलते टाइम लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं लेकिन मस्ती भी होती है। क्या होता है जब हम अपने फ्रेंड के साथ खेल रहे होते हैं तो हम कैसे खेलते हैं? यस कैच इट। लेकिन कैच इट में ही क्या हो जाता है? मेरी है, तू चुप रहे, तू चीटिंग करता है। हम इस तरीके से फाइट करने लगते हैं, but not fight, फाइट नहीं करना, only fun. This is a fun means मस्ती, this is a fighting, it means लड़ाई। हमने पढ़ा playing together, साथ साथ खेलने के हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं? बहुत सारे। हम सबको एक साथ रहना आता है और हम सबके बीच में अपने आप को प्रेजेंट करना सीख जाते हैं। फिर हमने रीड किया था बच्चों फेयर क्या होता है? मेला। वाओ, पापा के साथ जाते थे, बहुत मजा आता था जब हम छोटे थे। और अब आप भी जाते हैं ना फेयर में? फेयर में हम क्या करते हैं? बहुत सारे स्टॉल्स लगी होती, पापा प्लीज ये वाला टॉय चाहिए, पापा प्लीज। फिर पापा ये टी शर्ट देखो कितनी सुंदर है, आई वॉन्ट इट। देन पापा पाव भाजी खानी है, मामा मुझे ये वाला टॉय लेना है। तो क्या करते हैं बहुत सारे? वाओ ये वाला झूला, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम ये सब चीज कहाँ करते हैं? कहाँ? फेयर में। फेयर मीन्स मेला, फेयर मीन्स मेला। यस हम क्या देखते थे? पपेट शो। आजकल तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, है ना। पपेट शो क्या होता है? दो टिक 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 टिक
ऐसे करते हुए डांस देखा आपने कभी? हम लोग छोटे थे तब बहुत देखते थे। आप अपने मम्मी पापा से भी पूछना, और आप कभी कभार अगर आप बाहर गांव वगैरह में जाएंगे तो वहां आपको जरूर देखने को मिलेगा। पापा शो क्लियर। एक होता है हमारा काइट फ्लाइंग, यस उड़ाई काइट धमाधम धमाधम। तो हम कब उड़ाते हैं काइट? काइट कब फ्लाई करते हैं? मकर संक्रांति, इंडिपेंडेंस डे, रक्षाबंधन। क्लियर। एंड एक चीज और है, सोचो सोचो सोचो, एक चीज और क्या है? एक चीज और है कि हम फेयर जो लगते हैं वो खाली क्या यही मेले लगते हैं? नहीं, एक लगता है कुंभ का मेला, जो पिक्चरों में पुरानी पुरानी मूवीज में दिखाया जाता है कि मेरा भाई तो आज मिल गया, कुंभ के मेले में खो गया था 14 साल पहले। कितनी मूवीज में दिखाते हैं ना। तो यस, ये होते हैं फेयर। बट जो कुंभ का मेला, पुष्कर मेला ये होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? रिलीजियस फेयर मीन्स धार्मिक मेले। ये कौन से फेयर होते हैं? रिलीजियस फेयर। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? बाय बाय।